नमस्कार दोस्तों, क्लासेज विनीता चौहान डॉट कॉम में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग टेस्ट सीरीज देख ही रहे थे और आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो एकीकरण है राजस्थान का वो कितने चरणों में पूरा हुआ था। ए ऑप्शन है 4 चरणों में, बी ऑप्शन है 6 चरणों में, सी है 8 चरणों में और डी है 9 चरणों में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। तो महाराज प्रमुख है भूपाल सिंह जी कब बने थे, तो वो बने थे 1949, यानी सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो टेस्ट सीरीज है ये राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे आप कांस्टेबल का ले लो, पटवार का ले लो, रीट का ले लो, लाइब्रेरियन के लिए तो है ही है। तो आपके जितने भी भाई बहन या दोस्त हैं सबको आप क्लास को शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास को देख सके। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे, ये क्वेश्चन तो हो गया है अपना। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। ए है जयपुर में, बी है जोधपुर में, सी है उदयपुर में और डी है बीकानेर में। तो जूनागढ़ का जो दुर्ग है वो है बीकानेर में, बीकानेर में है। जूनागढ़ के किले का जो निर्माण है वो रायसिंह के द्वारा करवाया गया था, रायसिंह के द्वारा। जूनागढ़ का किला है ये राती घाटी में स्थित होने के कारण, राती घाटी में स्थित होने के कारण जूनागढ़ के किले को राती घाटी का किला भी कहा जाता है। जूनागढ़ के किले का जो प्रारंभ है वो बीकाजी की टेकरी के नाम से, बीकाजी की टेकरी, बीकाजी की टेकरी के नाम से राव बीका के द्वारा, यानी बीकाजी की टेकरी बनवाकर राव बीका एक छोटा सा महल बनवाकर जूनागढ़ के किले की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा, राव बीका के द्वारा। तो यहाँ से ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये राती घाटी में स्थित है। तीसरी बात ये कि राव बीका की टेकरी नामक एक छोटा सा महल बनवाकर राव बीका के द्वारा जूनागढ़ के किले की नींव रखी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौलक्का दरवाज़ा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है। तो नौलक्खा जो दरवाज़ा है ये राजस्थान के किस किले का भाग है। ए है रणथंबोर, बी है आमेर, सी है नारगढ़, डी है चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा, नौलक्खा जो दरवाज़ा है वो रणथंबोर का भाग है। रणथंबोर का जो किला है वो रणथंबन पहाड़ी में, रणथंबोर सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंबोर के किले में प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर स्थित है और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है, जो रणथंबोर है ही। साथ में आप नारगढ़ ध्यान में रख सकते हो, जो नारगढ़ है नारसिंह भौमिया के नाम पर, किसके नाम पर, नारसिंह भौमिया के नाम पर नाहरगढ़ किले का नाम नारगढ़ रखा गया। नारगढ़ में एक जैसे 9 महल है जिनका निर्माण है वो माधो सिंह के द्वारा करवाया गया और नाहरगढ़ का जो किला है वो जयपुर का प्रहरी किला या पहरेदार, यह प्रहरेदार किला है। तो नारगढ़ जयपुर में स्थित है। नारगढ़ का जो नाम है नारसिंह भौमिया के नाम पर रखा गया। नारगढ़ का किला जो है ये जयपुर का पहरेदार किला है, इतने बात आपको ध्यान में रखनी है। और नारगढ़ में ही पहला जैविक उद्यान स्थापित किया गया है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आमेर है ये जयपुर में है, ये आपको पता है, आमेर का किला, आमेर फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। ए ऑप्शन है 1574, बी है 1564, सी है 1556, डी है 1576। राइट आंसर हो जाएगा 1576। और हल्दीघाटी के जो युद्ध की जो योजना है वो मैगजीन का किला, अकबर का किला अजमेर में बनाई गई थी, अजमेर में, कहाँ पर,
अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है अग्निकुंड से हुई थी? ए है श्री गौरीशंकर ओझा के अनुसार, बी है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, सी है कवि चंद्रप्रदाय के अनुसार और डी है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा अग्निकुंड से हुई है, तो किसके अनुसार हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कवि चंद्र बरदाई के अनुसार। नेक्स्ट, कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? ए है विराटनगर, बी है आहाड़, सी है कालीबंगा और डी है पीली बंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आहाड़। आहाड़ को धूलकोट पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा है, आगाटपुर ताम्रवती नगरी, तो यह आहाड़ को ही कहा जाता है। विराटनगर के बारे में मैंने फुल डिटेल से डिस्कस कर दिया है, कालीबंगा के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे? ए है जयानक, बी है मोनोत नैनसी, सी है सूर्यमल मिश्रण, डी है चंद्र बरदाई। तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो है जयानक। यहाँ से एक आप ध्यान में रख सकते हो, हमीर महाकाव्य, साथ में ही बता देता हूँ, हमीर महाकाव्य की जो रचना है वो नयन चंद्र सूरी, आप ध्यान में रखना, नयन चंद्र सूरी। दूसरी खुमान रासो भी आप ध्यान में रखना, खुमान रासो। दलपत विजय, सर्जन चरित्र, इंपॉर्टेंट रचनाएं मैं आपको बता देता हूं, सर्जन चरित्र जो है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। और हमीर हट के भी जो रचयिता थे, हमीर हट, वो चंद्रशेखर ही थे। तो इतनी रचनाएं पृथ्वीराज विजय के साथ में आपको ध्यान में रखनी है कि सर्जन चरित्र के लेखक कौन थे, चंद्रशेखर, हमीर रट, चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, कुमार रासो, दलपत विजय, वो छंद वगैरह एक साथ फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि राव जेतसिरा जो छंद है वो किसके द्वारा लिखा गया, यानी बीटा सूजा के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके, तो आप रेगुलर बने रहिए, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसहार किस वर्ष हुआ था? तो मानगढ़ का जो जनसहार है वो ए ऑप्शन है 1908, बी है 1913, सी है 1910 और डी है 1917। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1913, ठीक है। गोविंद गिरी को आदिवासियों का बावजी, ये फैक्ट आप ध्यान में रखना, आदिवासियों का बावजी गोविंदगिरी को कहा जाता है। नेक्स्ट, बैराट या विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो प्रथम उत्खनन पहले भी मैंने डिस्कस किया था, ए है दयाराम साहनी, बी है डॉक्टर एएनआर बनर्जी, सी है भंडारकर और डी है आरसी अग्रवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया कि विदेशी यात्री कौन थे जिन्होंने गुजर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन है मार्को पोलो, बी है सुलेमान, सी है अलबिरूनी और डी है अब्दुल रज्जाक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सुलेमान। नेक्स्ट, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है और लिखा गया है नीचे अर्णोराज के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो अपने को सत्य बताना है कि निम्नलिखित जो कथन है दिए हुए उनमें से जो राइट कथन है वो कौन से हैं, तो एक बार पढ़ना पड़ेगा इनको, देखते हैं। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा हो गया वो मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, सेकंड फैक्ट ये हो गया। थर्ड हो गया उसने चालुक्य के राजा जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इसमें जो राइट है वो है एक,
तीन और चार। इसमें जो राइट है कथन सत्य पूछा गया है ना, तो कथन जो सत्य हैं वो है एक, तीन और चार। एक, तीन, चार, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एक, तीन, चार। नेक्स्ट, रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? यानी जो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जो दुर्ग था वो किसको सौंप दिया था? ए ऑप्शन है अलूक खान, बी है नुसरत खान, सी है अकांत खान, डी है उमर खान। तो राइट आंसर हो जाएगा अलूक खान। साथ में आप ध्यान में रखना, जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो हमीरदेव चौहान थे उसके सेनापति थे रणमन ओल रतिपाल। रणमन ओल रतिपाल को अपने में मिला लिया इन्होंने, विश्वासघात किया हमीरदेव चौहान के साथ, और इन्हीं की विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर को विजय किया और यहाँ का जो शासन है वो उलुग खान को सौंप दिया। और राजस्थान का जो जल जौहर है वो हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी के द्वारा रणथंभौर में किया गया, जो राजस्थान का जल जौहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन दिल नहीं है ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए आप, अलाउद्दीन खिलजी है के आक्रमण का वर्णन किया है? तो पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतुह, बी है नूह ए सिपहर, और सी है तुगलकनामा, डी है मिप्ता इल फतुह। तो राइट आंसर हो जाएगा खजाइन उल फतुह में चित्तौड़गढ़ के आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह यानी पगड़ी धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो ए में है जयमल, बी में है झाला अज्जा, सी में है दुर्गादास, और डी में है रामसाय तंवर। डी में रामसाय तंवर दे रखा है, तो राइट आंसर होगा झाला अज्जा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, यानी राणा प्रताप के जो पक्ष में लड़े थे उनका देखना है अपने को कि कौन कौन से सरदार थे जो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया। तो ए ऑप्शन में है राम सिंह तंवर, बी में है बीदा जाला, सी में है रावत कृष्णदास चुंडावत, और फोर्थ में है अशोक परमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम सिंह तंवर ने भी दिया था, झाला बीदा ने भी दिया था, रावत कृष्णदास चुंडावत ने भी दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा एक, दो, तीन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकात की उपाधि धारण की थी? ए में है महाराजा जसवंत सिंह, बी में है महाराणा कुंभा, सी में है महाराणा सांगा, और डी में है महाराणा, ये महाराणा है राज सिंह। तो अपना जो राइट आंसर होगा विजय कटकात की जो उपाधि थी वो महाराणा राज सिंह के द्वारा धारण की गई थी, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? ए में है अलवर, बी में है मारवाड़, सी में है सिरोही, और डी में है कोटा। अच्छा क्वेश्चन है, पंडित नैनूराम शर्मा का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, संप सभा की स्थापना किसने की? ए माणिक्यलाल वर्मा ने, बी जय नारायण व्यास ने, सी बलवंत सिंह मेहता ने, डी गोविंद गिरी ने। तो जो संप सभा की जो स्थापना है संप सभा की जो स्थापना है वो की गई थी गोविंद गिरी के द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? ए ऑप्शन में है
नवीन राजस्थान, बी में है तरुण राजस्थान, सी में है राजस्थान केसरी और डी में है नव जीवन। तो विजय सिंह पथिक ने वर्धा से जो समाचार पत्र प्रकाशित किया था वो किया था राजस्थान केसरी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए में है गौरी शंकर उपाध्याय, बी में है ठक्कर बाबा ठक्कर बप्पा, सी में है बोगीलाल पांड्या और डी में है माणिक्यलाल वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बोगीलाल पांड्या, जो डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसी के साथ में एक और फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो कि वांगड़ के गांधी किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चिड़ावा का गांधी आप ज़रूर ध्यान में रखना, चिड़ावा का गांधी, बोगीलाल से याद आ गया है मुझे, चिड़ावा का गांधी, प्यारे लाल गुप्ता को कहा जाता है। और राजस्थान का गांधी शायद आप लोगों को पता होगा, गोकुल लाल असावा जी। और चिड़ावा के जो गांधी है वो प्यारे लाल गुप्ता है, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंकरदेव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में से किस में मिलना चाहते हैं। सही बात है ये तो देखते हैं, देखिए इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। पूछा क्या गया है कि जो शंकरदेव जो समिति थी इसका गठन किया गया था कि धौलपुर और भरतपुर की जनता किस में शामिल होना चाहती है उनकी राय जानने के लिए। लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे इसमें, तो ऑप्शन में चार ये तो गलत है, बी ऑप्शन में तीन है, सी में दो है, डी में पाँच है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीन सदस्य थे अध्यक्ष सहित। नेक्स्ट, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है, देखते हैं। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, बी ऑप्शन है वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था, सी वह संगीत प्रेमी था, डी वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, वह स्वयं विद्वान नहीं था, यह गलत बात है। महाराणा कुंभा तो स्वयं विद्वान थे, तो इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं रची थी, तो ये अपना कथन गलत हो जाएगा कि वो विद्वान नहीं थे। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है, गलत पूछा गया है, तो ए ऑप्शन है 1970 से 1978 तक राज्यसभा की सदस्य रही, यह तो सही है, सदस्य रही थी। बी ऑप्शन है उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, यह भी सही है, आश्रम की स्थापना की गई थी। सी है वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही, यह गलत है, तो अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। डी में और देख लेते हैं क्या है, उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गलत पूछा गया है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन अपना गलत है, लोकसभा की सदस्यता नहीं, सदस्य नहीं रही थी 1957 से 1962 के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं, यानी गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बी बेराट एक ग्रामीण संस्कृति थी, सी कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, और डी है आहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबा का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। पूछा क्या गया है यहाँ पर सही कथन, तो जो सही कथन है वह एक ही है, डी ऑप्शन, आहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क था, तांबे की वस्तुएं बनाना था, तभी तो आहाड़ सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता, यानी आहाड़ को तभी तो ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि तांबे की वस्तुओं को गलाना और बनाना इनका मुख्य कार्य था। क्षेत्र में क्या है देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? तो मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप से संधि नहीं करने वाला जो राज्य था वो देखते हैं, ए ऑप्शन है इडर, बी है जोधपुर, सी है डूंगरपुर और डी है जालौर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जोधपुर। नेक्स्ट, जल दुर्ग कहाँ है?
भाई जल्द रुक तो बहुत है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पर है। ए है काली सिंध आहू नदियों के संगम पर, बी पिछोला झील में, सी गंभीरी नदी पर और डी चंबल नदी पर। जलद्रुग कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए काली सिंध वह आहू नदियों के संगम पर गागरोण का किला स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, गागरोण का किला एक जलदुर्ग है। और चंबल नदी से एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ, चंबल नदी व बामनी नदी, चंबल व बामनी नदी के संगम पर या चंबल व बामनी नदी के तट पर या किनारे पर कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये फैक्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, जो चंबल और बामनी नदी पर स्थित है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोण का दुर्ग स्थित है। पिछोला झील आपको पता होगी उदयपुर में है, और पिछोला झील का जो निर्माण है वो राणा लाका के समय में बंजारी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इतने फैक्ट आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? ए है रामदेव जी की स्मृति में। बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, काफ़ी 10 बार मैंने देख लिया है कम से कम इसको एग्जाम में, तो आप भी इसको ध्यान से देखना एक बार। तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? या तो तिलवाड़ा से रिलेटेड या मल्लीनाथ जी से रिलेटेड, तो ये घूम फिर के वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? ए है रामदेव जी की स्मृति में, बी है बाबू जी की स्मृति में, डी है गोगा जी की स्मृति में और सी है मल्लीनाथ जी की स्मृति में। तो राइट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा जो पशु मेला है ये बाड़मेर में लगता है और मल्लीनाथ जी की स्मृति में यह लगता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है ये मेला। रामदेव जी का जो मेला है रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। कांबड़ जाति के द्वारा यहाँ पर तेरह ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। बाबू जी का जो प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कोलूमंड में जोधपुर में है। और बाबू जी का एक बात और ध्यान में रखना आप, ये ऊँटों के लोक देवता है, यानी ऊँट बंजारा जाति इनको सबसे ज़्यादा मानती है। और जो गोगा जी है इसका एक आप विशेष बात आप ध्यान में रखोगे कि जो डेरू वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र से रिलेटेड ये फैक्ट है, वो गोगा जी से रिलेटेड वाद्य यंत्र है डेरू। ये आप थोड़ा हटके है तो ये आप ध्यान में रखना, डेरू वाद्य यंत्र है। बाबू जी का आपको पता होगा रावण हत्ता है, और रामदेव जी का आपको पता होगा, तो गोगा जी का यहाँ से आप ध्यान में रखना, डेरू वाद्य यंत्र जो है वो गोगा जी का वाद्य यंत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध? अभी जस्ट थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया था बाबू जी, तो इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे ऑप्शन से रिलेटेड आ गए, पहले के आए हुए क्वेश्चन आ गए, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में होने चाहिए। तो ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो बाबू जी इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेहा जी का आप ध्यान में रखना, जो मांगलियाओं के जो इष्ट देव है। राइट आंसर तो अपना बाबू जी है, लेकिन साथ में फैक्ट ध्यान में रखना, मेहा जी है, इनका जो मंदिर है ये जोधपुर में है, और ये मांगलिया जो जाति है मांगलियाओं के इष्ट देव है, ये मांगलियाओं के इष्ट देव जो है मेहा जी है। तेजा जी का आपको पता ही है, खरनालिया नागौर में इनका स्थान है, सुरसरा में इनका स्थान है, तो ये आप ध्यान में रखना कि तेजा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। हड़बू जी, डी ऑप्शन में हड़बू जी दे रखा है, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, ये आप ध्यान में रखना। हड़बू जी जो अभी BSTC का एग्ज़ाम लगा था उसमें भी हड़बू जी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हड़बू जी की गाड़ी की उसमें लैंग्वेज के फॉर्म में था कि कौन से लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है, तो हड़बू जी, ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? तो ए है मल्लीनाथ जी, बी है रामदेव जी, सी है तेजा जी, डी है गोगा जी। तो जो रामदेव जी है उनके भक्तों के द्वारा, कांबड़ जाति के द्वारा तेरह ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, कोलायत मेला बीकानेर का प्रसिद्ध मेला है, इसका एक अन्य नाम है?
ए ऑप्शन में है ऊंट मेला, बी ऑप्शन में है कपिल मुनि मेला, सी में है बीकानेर मेला, डी में है उत्तर भारत मेला। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा कपिल मुनि मेला। नेक्स्ट देखते हैं, चारण किस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। क्लास को दोस्तों शेयर जरूर किया करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो अगर आपको पसंद आए तो। बाकी कमेंट करके आप बताया करो मुझे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या बात समझ में नहीं आया, नहीं आई है तो उसका भी नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। लेकिन आप क्लास को ज़रूर शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा है, चारण किस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। तो चारणों के बारे में पूछा गया है, ए है दुर्गा माता, बी है बाण माता, सी है ला देवी, डी है करणी माता। तो चारण जो है करणी माता को पूजते हैं। करणी माता का जो मंदिर है वो बीकानेर में है, चूहों वाली देवी है ये, और जो सफ़ेद चूहे होते हैं यहाँ पर, जो सफ़ेद चूहे हैं उनको काबा के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखना, काबा यानी काबा के नाम से किसको जाना जाता है, करणी माता के जो सफ़ेद चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्यटन स्थल का नाम है, दूसरी तरफ जिला है। तो विरात्रा माता का जो मंदिर है ये बाड़मेर में है, सही बात है। और खामखा के तीन दरवाजे, ये इम्पोर्टेंट है, खामखा ध्यान रखना, खामखा के तीन दरवाजे अजमेर में हैं। बांकर मातागढ़ मंदिर जोधपुर में, ये अपना सुमेलित नहीं है। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर देख लेते हैं एक बार, ये भी कोटा में है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बांकर मातागढ़ मंदिर, ये गलत है। नेक्स्ट, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है अलवर, बी है बूंदी, सी है भरतपुर, और डी है कोटा। तो जो धौलागढ़ देवी का मंदिर स्थित है वो है अलवर में, अलवर राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है, यानी पूछा गया है कि जो लांगुरिया गीत है उसका संबंध किससे है। ए है शीला देवी, बी है करणी माता, सी है बाण माता, और डी है केला देवी। डी क्या है, केला देवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केला देवी। केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है, त्रिकूट पर्वत पर स्थित मंदिर है, और यहाँ के भक्तों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें लांगुरिया गीत कहा जाता है। करणी माता के बारे में मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। शीला देवी आप ध्यान में रख लेना कि जो शीला देवी का मंदिर है वो आमेर में है, आमेर जयपुर में, और यहाँ पर जो शीला देवी की पूजा होती है तो पूजा के अंदर शराब का चरणामत दिया जाता है। अच्छा फैक्ट है, शराब का चरणामत, शराब का जो चरणामृत है वो शीला देवी की आराधना के समय दिया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि शराब का चरणामत से संबंधित माता कौन सी है, तो वो है शीला देवी आमेर। नेक्स्ट, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। पूछा क्या गया है, थार की वैष्णो देवी, ना कि राजस्थान की वैष्णो देवी। तो ऑप्शन देखते हैं, ए जीर्ण माता, बी चाउंडा माता, सी ज्वाला माता, और डी ऑप्शन में है तनोट माता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तनोट माता, जो जैसलमेर में है। सीमा सुरक्षा बल के जो जवान है वो इनको अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजते हैं, ठीक है। तो थार की वैष्णो देवी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। आप साथ में जीर्ण माता जो है वो सिक्कर में है, रस की पहाड़ी पर इनका मंदिर है। जीर्ण माता को भंवरों वाली माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भंवरों वाली माता, ध्यान में रखना।
जीण माता को बंगरू वाली माता कहा जाता है। चामुंडा माता आपको पता है जोधपुर में है, पहले भी डिस्कस किया था। ज्वाला माता का जो मंदिर है ये जोबनेर में है। आपसे पूछा जा सकता है कि खंगा ऋतु की जो कुल देवी है वो ज्वाला माता है। यहाँ से ये फैक्ट आप ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी नहीं बताई शायद मैंने, तो राजस्थान की वैष्णो देवी बता दी थी मैंने, कमेंट में आया था आपका। तो राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो आवृद्ध देवी है, ध्यान में रखना, आवृद्ध देवी। कमेंट में शायद किसी ने पूछा था तो मैंने बताया था, फिर से अगेन देख लीजिए आप, आवृद्ध देवी राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। शगुन चिड़ी को किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, शगुन चिड़ी वाला, यानी शगुन चिड़ी जो है किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है? ए में है आयड़ माता, बी में है स्वांगिया माता, सी में है नागणेची माता और डी में है शीतला माता। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वांगिया माता। स्वांगिया माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर में है। ये भाटी जो शासक हैं उनकी कुलदेवी है, भाटियों की जो कुलदेवी है वो स्वांगिया माता है, ध्यान में रखना। भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है स्वांगिया माता है। यहाँ से आप शीतला माता भी ध्यान में रख लेना। शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू में है, चाकसू जयपुर में। ये कुम्हार जाति की कुलदेवी है, कुम्हार जाति, और गदहा इनका वाहन है, गदहा। तो शीतला माता से रिलेटेड फैक्ट आप इतने तो आपको ध्यान में ही रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शगुन चिड़ी मैंने बता दिया है, राइट ऑप्शन तो अपना स्वांगिया माता हो ही जाएगा, राइट आंसर दो। नेक्स्ट देखते हैं, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? तो ये पूछ लिया गया है कि जैसलमेर के जो नरेश हैं कुलदेवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं, अभी जस्ट डिस्कस किया था, तो इसका आंसर शायद आप बता पाओगे मुझे। ए ऑप्शन है करणी माता, बी है स्वांगिया माता, सी है अन्नपूर्णा माता और डी में देखते हैं क्या है, नागणेची माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वांगिया माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। पूछा क्या गया है असत्य कथन, देखते हैं कौन सा है। जो असत्य जो कथन है वह है लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोकरण के पास रुणिचा ग्राम में हुआ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के देखते हैं एक बार, बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण अवतार के रूप में और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में, ध्यान में रखना आप, ये जो रामासाह पीर है इसके नाम से बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। फैक्ट में दिया हुआ तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रामा साहब पीर के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है और जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है, जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। हाथ में भाला लिए हुए घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है, बिल्कुल राइट बात है, ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखोगे, बिल्कुल जहन में बिठा लो आपके में। बाबा रामदेव के मेले में तेरह ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षण होता है, घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं। तेरह ताली को कभी पर्टिकुलर अलग पूछ लेता है, कभी लैंग्वेज की फॉर्म में दे देता है, तो बात वही है, तो ये भी राइट सेंटेंस है अपना। तो अपना जो राइट आंसर है वो तो फर्स्ट है ए, जहाँ पीर आप ध्यान में रखना गोगा जी को, जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता का कौन सा युग में बालीनाथ का शिष्य था? यानी दो लोक देवताओं को बताना है अपने को कि बालीनाथ के शिष्य कौन थे, तो वो थे, ऑप्शन देखते हैं, मल्लीनाथ रामदेव जी, ये तो नहीं था, हड़बू जी एवं रामदेव जी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देव जी एवं मल्लीनाथ जी भी नहीं थे, तेजा जी भी नहीं थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हड़बू जी और रामदेव जी। जो रामदेव जी का घोड़ा है, जो ध्वज है, जो रामदेव जी का ध्वज है ना, ये भी आप ध्यान में रखना, रामदेव जी का जो पचरंगी जो ध्वज है वो नेजा कहलाता है, नेजा, ये फैक्ट आप ध्यान में रखना कि नेजा जो ध्वज है वो रामदेव जी का है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल भरथार किस लोक देवता के संदर्भ में है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नेतल, नेतल
भर्तार, भर्तार का मतलब होता है पति, और ये जो नेतल है ये पत्नी थी कौन से लोक देवता की, रामदेव जी की। तो आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा यहाँ से, देखते हैं, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, डी तेजा जी। तो रामदेव जी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नेतल थी वो रामदेव जी की पत्नी थी और नेतल के ऊपर ही लोकगीत गाया जाता है, नेतल रा भरतार, और भरतार का मतलब होता है राजस्थानी भाषा में भरतार बोलते हैं पति को। तो यहाँ से नेतल रा भरतार जो लोकगीत है वो रामदेव जी से संबंधित है, तेजा जी की जो पत्नी थी ये भी आप ध्यान में रखना पैमल, पैमल थी। तेजा जी लाछा गुजरी के लिए प्रसिद्ध हुए, लाछा गुजरी की गाय छुड़वाने के लिए तेजा जी ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था। पाबू जी की जो पत्नी थी उनका भी आप ध्यान में रखना, पाबू जी की जो पत्नी थी वो फूलमदे थी, ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। अच्छा क्वेश्चन है, हंसा देवी और लोहट जी किस लोक देवता जी के माता पिता का नाम था। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जाम्बो जी। जो पीपा जी थे ये दर्जी समुदाय के लोक देवता थे, ये बात आप ध्यान में रखोगे, दर्जी समुदाय के जो लोक देवता थे वो पाबू जी थे। और दन्ना जी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दन्ना जी का जो मंदिर है वो धवल टोंक में है, ये फैक्ट आप ध्यान में रखोगे रखोगे। साथ में आप ध्यान में रखोगे कि राजस्थान में, राजस्थान में जो भक्ति परंपरा है उसको जो फैलाने का जो श्रेय जाता है वो धन्ना जी को जाता है। साथ में निर्गुण भक्ति परंपरा आप ध्यान में रखोगे, जो निर्गुण भक्ति परंपरा के जो प्रथम जो संत थे वो धन्ना जी थे, ये फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। जो जसनाथ जी थे इनका जो मंदिर है वो बीकानेर में है, ठीक है, बीकानेर, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तिलवाड़ा बाड़ में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है। तो तिलवाड़ा जो बाड़मेर है ये मल्लीनाथ जी से जुड़ा हुआ है, शीतला माता के बारे में मैंने बता दिया है, चाकसू जयपुर में, रामदेव जी के बारे में डिस्कस कर लिया है, संत माऊ जी के बारे में, और मैं बता देता हूँ आपको, संत माऊ जी जो है इन्होंने, इनका जो मंदिर है वो डूंगरपुर में है, पहला फैक्ट ये ध्यान में रखोगे आप। पूछा जा सकता है, संत माऊ जी को बांगड़ का धनी कहा जाता है, बांगड़ के धनी के नाम से संत मावजी को जाना जाता है। और जो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर है इनके निर्माता के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो संत मावजी के बारे में ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर लोक देवता ने उनकी सहायता की थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था फैक्ट के रूप में और क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो लाछा जो गुजरी है वो बाबा रामदेव, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। तो तेजा जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो गलत देखते हैं एक बार कौन सा सुमेलित है, पाबू जी का मैंने बता दिया है, कोलू में इनका मंदिर है, सही बात है, तेजा जी खरनाल में मैंने बताया था अभी फैक्ट के रूप में, रामदेव जी रामदेवरा में इनका मंदिर है, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये तिलवाड़ा में है, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करोगे, मल्लीनाथ जी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तिलवाड़ा में इनका मंदिर है, तिलवाड़ा बाड़मेर, बिल्कुल याद हो गया होगा अब तक तो आपको ये, जहा पीर के नाम से अभी मैंने बताया था फैक्ट के रूप में। तो जहा पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, देखते हैं, गोगा जी को। नेक्स्ट देखते हैं, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी। तो ए ऑप्शन है 1468 में, बी है 1448, सी है 1458, डी है 1438। तो राइट आंसर होगा 1458, सी ऑप्शन। राजस्थान का वो लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, तो वो लोक देवता थे ए में तेजा जी, बी में देव जी, सी में पाबू जी और डी में गोगा जी। तो मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करने वाले लोक देवता गोगा जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, गोगा मेडी स्थित है ए चूरू जिले में, बी हनुमानगढ़ जिले में, सी श्री गंगानगर जिले में और डी झुंझुनू जिले में। तो गोगा मेडी जो है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित
है। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। ए में देवनारायण जी, बी में पाबू जी, सी में गोगा जी, डी में रामदेव जी। तो राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। इसी के साथ अपनी 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है। क्लास को फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।